देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलना अब बंद हो जाएंगी। लोग अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए वार्ड 40 में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर क्या कुछ कहना था अपर नगर आयुक्त का, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। लोग अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए वार्ड 40 में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत बालूगंज पुलिस चौकी से हुई और फिर नगर निगम कर्मचारियों ने आम जनमानस के सहयोग से बालूगंज मार्केट में व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और न ही पॉलिथीन में वस्तुओं को देने की अपील की। बालूगंज बाजार और क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाने के दौरान निगम के अधिकारियों ने आम जनमानस और व्यापारियों को सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो गाइडलाइंस आई है उनसे रूबरू कराया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा ऐसे कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां दुकानदारों से अपील की जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और अगर कोई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल पॉलीथिन का प्रयोग बंद करना, सिंगल यूज, पहले तो हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बिल्कुल बंद कर दें जी। और जी। इसके बाद हम लोग कुछ दूर तक बालूगंज मार्केट में भी जाएंगे, दुकान वालों को भी अवेयरनेस करेंगे कि आप लोग यदि इस्तेमाल कर रहे हो या सामान दे रहे हो तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, अन्यथा इसके खिलाफ फिर जुर्मानी कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये पिछले 3 दिन से प्लास्टिक के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। शासन के अनुरूप आगरा नगर निगम के महापौर श्री नवीन जैन जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं, हर वार्ड में 100 वार्डों में ये अभियान चलेगा और ये अभियान पूरा आगरा महानगर में प्लास्टिक मुक्त अभियान के रूप में चलेगा। इसमें हम दुकानदारों को समझाएंगे, घर घर जाके लोगों से बताएंगे कि आप प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक से ये हानि होती है और प्लास्टिक से जो हानियां होती हैं जिससे हमारे गायों को भी नुकसान होता है, जानवरों को भी नुकसान होता है, इनसे जानवरों का मृत्यु भी हो जाती है, तो हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है तो इसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है और ये सहयोग आप करें। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।